हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। सब परेशान होते सर, वोकैबुलरी के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो। देखो, इंग्लिश को लेके इस बार अलग ही बाउंडर मचा हुआ है ना। रगा पे उतना लग रहा है कि सबका रगा ठीक हो गया, रगा के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। सब खाली सर इंग्लिश में ठीक करा दो। सारे इंग्लिश के मरीज मेरे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक अलग सी मैं वीडियो बनाऊंगा, आज रातों रात तक अपलोड करूंगा जैसे भी, कि इंग्लिश के बेस्ट रिसोर्सेज क्या क्या चीजें हैं, ए टू जेड स्टडी के अलावा आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर अवेलेबल मैं करा दूंगा उस चीजों को, टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी चलो फिलहाल के लिए इसको कंटिन्यू करते हो, और इसमें ना मिस स्पेल्ड पढ़ेंगे, और कल से मैं दो या फिर तीन वीडियो एक्स्ट्रा अपलोड करूंगा वोकैबुलरी के ऊपर। एक में देखो रहेगा मिस स्पेल्ड रेगुलर बेसिस पे, और एक में रहेगा सिनोनिम्स, ठीक है। और अगले दिन मिस स्पेल्ट नहीं रहेगा तो देखो ऐसे मैं करूंगा ना, वो कैब के दो वीडियो अगर वो कैब के अपलोड कर पाता हूँ मैं, बिकॉज इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह भी करनी है। दो वीडियो अपलोड करूंगा तो फर्स्ट डेज में क्या आपका मिस स्पेल्ट रहेगा, और तो एक सिनोनिम्स रहेगा। सेकेंड डेज आपका वन वर्ड रहेगा, और क्या रहेगा, एक इडियम का रहेगा। इस तरीके से चलेगा। फिर अगले दिन मिस स्पेल्ट, सिनोनिम, अगले दिन वन वर्ड और इडियम, इस तरीके से चलेगा। बिकॉज एक दिन में तो फिर पांच वीडियो खाली वो कैब के ही बन जाएंगे, ऐसे प्रॉब्लम है ना। बाकी चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम सब्सक्राइब नहीं किया हो तो टेलीग्राम पे सर्च करो @ATZStudy, और सारी पीडीएफ डाउनलोड करके ना प्रिंट मत कराना, नोट्स बनाते जाना, हिंदी वगैरह लिखते जाना, मैं बताते जाऊंगा। बाकी वाई ग्रुप की अगर मॉक टेस्ट आप ATZStudy ऐप पे नहीं लगा रहे हो तो लगाना शुरू कर दो, बिकॉज मैं लिख के दे रहा हूँ। यहाँ से बढ़िया बेस्ट मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वाई ग्रुप के मॉक टेस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ATZStudy ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन करो। और अगर आप पेड बैचेस में, देखो पिछली बार मैंने दिखाया ना हमारे पेड बैचेस से इंग्लिश में रागा में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस, पिछली बार का मैंने स्क्रीनशॉट आज के इंग्लिश के मॉक टेस्ट में दिखाया। 45+ स्कोर करने वाले बच्चों का मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया हमारे पेड बैच से। 45.5 किसी का था, किसी का 44 था 50 में। इंग्लिश में एक बच्चे का 22 नंबर था, 20 नंबर उसने 20 में 20 सही किए थे, दो नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के 22 नंबर हो गए थे। एक का 17.5 मार्क्स दिखाया मैंने आपको, रॉ स्कोर में बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे पेड बैचेस में दबा के रिजल्ट लाते हैं। रागा के अंदर 25-26 इस तरीके से स्कोर कर रहे थे पिछली बार। इस बार भी टाइम है आपके पास, ₹600 में बैच ज्वाइन करो, अलग से कुछ नहीं, टेस्टरीज वगैरह अलग से कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। इसी बैच में आपको वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। अगर आप एक्स ग्रुप से हो तो इंग्लिश की स्पेशल क्लास है, वो जाके बाई कर लो और पढ़ लो। यहाँ पे इंग्लिश की सिर्फ अलग से ₹250 में मिल जाएगी। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पूछ रहा है ग्रामेटिक का ना, आपको सही स्पेलिंग बताओ। ग्रामर से बना है ग्रामेटिक, ठीक है, व्याकरण से बना है आपका। तो आपके दिमाग में लग रहा होगा, देखो पढ़ते टाइम ऐसे लगता है ग्रामेटिक, ये भी ठीक लग रहा है, ग्रामेटिक ये भी ठीक लग रहा है, ये है ग्रामेटिक, ये लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हमको, ऐसा दिमाग में लग रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। काहे लग रहा है, नहीं ये भी ठीक है लग रहा है, ये वाला नहीं, ये तो हम जानते हैं ना ग्रामेटिक में डबल एम होता है, तो इको काट दो और इको काट दो, दिमाग में इसे माइंड में आता है। अब हो सकता है बी या फिर सी। तो एक चीज़ याद रखो, ग्रामेटिक के अंदर ना डबल एम तो आता ही है, ग्रामर ग्रामेटिक के अंदर ना एम के बाद ए आता है। क्या आता है एम के बाद, ग्रामेटिक नहीं होता, ग्रामेटिक होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, बी। बाकी मैं पीडीएफ में आंसर की भी दे दूंगा, टेंशन ना लो। सेकेंड क्वेश्चन, बेटर चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कह रहा है सिडेंट्री। सिडेंट्री का मतलब क्या होता है, सिडेंट्री का मतलब होता है जैसे कोई चुपचाप, नॉन मूवेबल, ठीक है। नॉन मूवेबल का मतलब जो मूव ना करता हो, गतिहीन, ठीक है, ये चीज समझ सकते हो, गतिहीन ये कह सकते हो, नॉन मूवेबल कह सकते हो इसको। तो सिडेंट्री का क्या लग रहा है आपको स्पेलिंग, इसमें से क्या सही लग रहा है, सही। देखो एक चीज ना, सिडेंट्री जब मैं बोल रहा हूँ तो एक चीज आप याद रखोगे, सिडेंट्री ना कि सिडेंट्री। तो पहली बात तो डी ए एन वाला हटा दो माइंड से, डी ए एन जहां जहां से हटा दो, ठीक है। और मैं जब बोल रहा हूँ ना सिडेंट्री, तो टी के बाद अब कन्फ्यूजन होगा, ई आर वाई होगा कि ए आर वाई होगा। तो अब इसमें कन्फ्यूजन मत करो, डायरेक्टली याद करो टी ए आर वाई होता है। अब ना इसको बोलोगे सर कोई ट्रिक बताओ, ट्रिक होता है बट सारे स्पेलिंग पे वो चीजें फिट कर जाए पॉसिबल नहीं है। एक मिस स्पेल्ड की वीडियो में बता दूंगा कुछ शॉर्टकट भी, बट कुछ कुछ वर्ड्स को ना आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आप अलग से नोट्स जब बना रहे होगे ना, तो नोट्स में पूरा नहीं लिखोगे, बस आपको लिखना है ग्रामेटिक का स्पेलिंग, ताकि मैं VVI चुन के ला रहा हूँ, पर आपको ग्रामेटिक 3 बार 4 बार नहीं 10 बार लिखने हैं ऐसे, ग्रामेटिक, फिर आप नीचे लिखोगे ग्रामेटिक, और आपको लिखते जाना। और ध्यान देना कि जब हम आगे बढ़ते जाएं तो ऊपर हमारी नजर ना जाए, हम खुद से लिखें।
अब बार बार आप 10 बार लिख लोगे और फिर A6 की सीडेंटरी की आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार सब हटा के मतलब साइड में खुद से लिखो आपने स्पेलिंग सही लिखा कि नहीं, इस तरीके से इसकी जो है ना इसमें यही उपाय है, कोई शॉर्टकट नहीं होता वो कैबलरी का, ठीक है। तो सीडेंटरी का क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। देखो इक्वेशंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, चुपचाप स्वीकार कर लेना, ठीक है। आपका मन नहीं है फिर भी चुपचाप आप स्वीकार कर ले रहे हो, क्या कहते हो, चुपचाप स्वीकार कर लेना। लिखो इसको हिंदी में ऐसे लिखो, चुपचाप स्वीकार कर लेना, ठीक है, स्वीकार करना, या फिर आप स्वीकार करना भी लिख सकते हो इक्वेशंस का। ओके, इक्वेशंस जब मैं बोल रहा हूँ ना तो आपने ध्यान देना, मैंने क्या बोल रहा हूँ इक्वेशंस, तो स स बड़ी रिपीट हो रहा है इसमें, इक्वेशंस, ठीक है। तो एस और सी, एसेटिक का आपने पढ़ा है ना, एस और सी होता है ब्रह्मचारी वाला में, वैसे ही इसके अंदर एस के बाद सी होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका स्पेलिंग ए हो जाएगा। कुछ कुछ ट्रिक्स पकड़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। इसमें देखो सिर्फ सी है, इसमें एस के बाद ई है और इसमें डबल एस है, तो ये पकड़ लेना आपको एक्विशेंस या फिर एसेटिक्स जो भी चीज़ है ना उसके अंदर एस के बाद सी आता है, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, इनका शॉर्टकट कैसे, कुछ चीज़ें कुछ कुछ वर्ड्स पे अप्लाई हो पाती हैं, वो भी KD पब्लिकेशन बुक के अंदर है, उससे मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेके मैं आपको एक दो बार बता दूंगा शॉर्टकट के लिए। बाकी देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपको करप्ट का चूज करना, ये तो मुझे उम्मीद है सब बना लोगे, इसका आंसर सब बना दोगे। करप्ट का सही स्पेलिंग क्या होता है, हम ना करप्ट बोलते हैं ना, ध्यान सुना, करप्ट तो हम बोलते हैं करप्ट, बट एक्चुअली वो करप्ट नहीं होता, वो करप्ट दूसरा चीज है, करप्ट होता है वो, ठीक है। बोलते ना करप्ट मतलब क्या कहते हैं उसको, करप्शन मत करो, करप्ट मत बनो, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, CU नहीं होता, पहली बात तो याद रखो, CO से स्टार्ट होता है, तो यू वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, यू वाला ओ वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, सॉरी यू वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हम जब बोल रहे हैं ना रप्ट, तो र मतलब थोड़ा सा करप्ट, तो र की मतलब क्या, रिपीटेशन फील हो रही है, तो डबल आर होगा, और UPT तो डबल पी की जरूरत नहीं है, बिकॉज करप्ट बोलते हैं ना तो पी बड़ा साइलेंट टाइप का फील होता है, करप्ट हल्का सा पी आता है, जब हल्का सा पी आए तो वहाँ पे सिंगल पी होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका। ओके, अब इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना जनाब, और कुछ नहीं कह सकते। एलिनेट का मतलब क्या होता है, निकाल देना, ठीक है, अलग कर देना, क्या होता है भाई, निकाल देना या फिर अलग कर देना, तो ये चीजें आप याद रखोगे, ठीक है। एलिनेट वर्ड के हिंदी भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सिनोनिम में पूछ दे यही, और इनके वर्ड्स भी याद रखोगे आप, बिकॉज पिछली बार हमारे सिनोनिम के लिस्ट जो मैंने दिया था वहां से बहुत सारे मिसस्पेल्ड पूछे गए थे सिनोनिम वाले, ठीक है। तो ये सभी चीजों को थोड़ा ध्यान दोगे आप। हाँ, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे एलिनेट, तो एलिनेट का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम एलियन पढ़े हो आप लाइफ में कभी, एलियन, एलियन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अनजान इंसान, दूसरे जगह का, दूसरे ग्रह का इंसान। फिलहाल के लिए तो आप याद रखोगे एलियन में आपको लगाना है 8, ठीक है, एलियन में आपको लगाना है 8, तो बन जाएगा एलिनेट, तो एलियन का स्पेलिंग, ठीक है, और उसके साथ 8 लगा दिया हमने, 8 खाने वाला 8, 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
तोड़ के, जैसे एक वर्ड होता है एसेसिनेशन, ठीक है, एसेसिनेशन। तो हमारे एक टीचर थे वो पढ़ा रहे थे गधा, ठीक है, गधा के ऊपर एक और गधा, उसके ऊपर मैं, उसके ऊपर हमारा देश, ऐसे, ठीक है। तो एसेसिनेशन का मतलब होता है ना कि राजनैतिक कारण से हत्या कर देना, ठीक है, राजनैतिक कारण से हत्या कर देना, एसेसिनेशन का ये पूछा भी जाता है। तो दो बार एस लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आई, उसके बाद नेशन, ठीक है। चलो, पर गधों का कत्ल भी होता है, एसेसिनेशन मतलब राजनैतिक कारणों से हत्या, मतलब समझ गए ना, नेता उतार का हत्या होना, मतलब लोग गधा से कम तो है नहीं। आगे देखो एलिनेट का करेक्ट आंसर क्या बन गया अभी, तो आपको याद रखना है एलियन, एलियन प्लस में एट, ठीक है, तो वर्ड्स को तोड़ के आप याद रखो। सिक्स में क्या रहा आपको बताओ इसके अंदर, ये क्या भाई, इंटेलिजेंसिया, अच्छा इंटेलिजेंसिया, इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, इंटेलिजेंसिया, तो आपको इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंसिया का मतलब ये होता है ना बुद्धिमान वर्ग के लोग। मैं थोड़ी सी हिंदी की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, बुद्धिमान वर्ग के लोग, ठीक है, वर्ग के लोग, ओके।
और मैंने कहा मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग खराब है, सच तो ये मेरी पूरी की पूरी हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है, सिवाय दिमाग के सब। आगे देखो, इंटेलिजेंसिया का मतलब क्या होता है, मैंने बोला बुद्धिमान वर्ग के लोग। अब इंटेलिजेंट में क्या होता है भाई, पहली बात तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लिख लो, उसके बाद SIA लगा दो, ठीक है, इंटेलिजेंसिया ऐसे लिखोगे ना, तो इंटेलिजेंट की स्पेलिंग कहाँ मिलेगी आपको, डी के अंदर, फिर हमने SIA लगा दिया, करेक्ट आंसर क्या बन गया, डी, है ना। आगे कह रहा है गोरिल्ला, गोरिल्ला तो मेरे को हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, गोरिल्ला आपने देखा होगा लाइफ में कभी ना कभी, गोरिल्ला के स्पेलिंग गुरिल्ला तो होता नहीं है, गोरिल्ला होता है जिसके अंदर डबल एल होता है, तो ए तो होगा नहीं बिकॉज गुरिल्ला लिखा हुआ है, गोरिल्ला लिखा भी है बी में तो सिंगल एल है तो ये गलत है, तो गोरिल्ला में डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कॉमेटी, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये एयरफोर्स की ना गर्लफ्रेंड से कम नहीं है, इसको हर साल पूछता है किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर, तो कॉमेटी का मैंने पहले भी मॉक के अंदर करा रखा था, डबल एम और क्या होता है, डबल एम और डबल टी होता है और डबल ई भी होता है कॉमेटी में, ये चीज़ याद रखोगे, डबल एम डबल टी डबल ई, अब जिसके अंदर दिख जाए उसको आंसर कर देना, बोलोगे सर वैसे तो ए के अंदर भी है तो कॉमेटे है ये, कॉमेटे ना कि कॉमेटी, तो डबल आई रहता तो इसको कर सकते थे, बट ये तो नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारे पास डी बचा है इसका भी, ठीक है। तो कॉमेटी में डबल एम डबल टी और डबल ई, याद रखना कॉमेटी होता है ना कि कॉमेटे, तो एम के बाद आई होता है, ओके। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैसेंजर, पैसेंजर पिछली बार पूछ रखा था, कुछ लोग गलत कर रहे थे, उनको याद नहीं था पैसेंजर में करेक्टली एस हो कितने बार रिपीट होता है, और उनको ये भी नहीं पता था पैसेंजर में, देखो पैसेंजर में ना डबल एस अगर होता भी है तो आगे ए लिखें कि ई लिखें, ये थोड़ा सा उनके लिए कंफ्यूज हो रहा था, तो पैसेंजर पढ़ते हैं ना तो वो डबल ए लगा रहे थे, और एग्जाम में एक वर्ड दे भी रखा था इस तरीके से PASSA दे रखा था, तो वो बहुत सारे लोग टिक करके आए थे, बल्कि वो नहीं होता पैसेंजर होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, अब पैसेंजर नहीं होता, सी वाला में देखो पैसेंजर लिख रखा है वो गलत है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, पैसेंजर, तो PASSENGER। नोट्स बनाओ, बाकी कोई मैं आपको मदद नहीं कर सकता एक्स्ट्रा। मुस्टैच का मतलब क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, ये तो खैर हर इंसान को पता होता है, ठीक है। तो इसका सही स्पेलिंग क्या है, लेकिन स्पेलिंग नहीं पता होता है, तो MOUSTACH, ठीक है ना, मुस्टैच का ये सही स्पेलिंग है, तो ये तो मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा इसके स्पेलिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बाकी कमेंट करके बताओ 10 में से पहले कितना पढ़ा था आपने, नया कितना सीखा, आंसर की के साथ में आपको PDF दे दूंगा, इसकी PDF से आपका बस यही काम है, छोटी छोटी वोकैबलरी की वीडियो बनेगी, बड़ी बड़ी नहीं, रगा की तरह नहीं बनेगी, ठीक है। आपको पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाना, रिविजन करते जाना है, ठीक है, बस यही कह सकते हैं। बाकी जनाब जाने से पहले फिर से वीडियो को लाइक कर देना, बाकी पेड मॉक टेस्ट पेड क्लासेस ये सब अगर ज्वाइन करना चाहते हो तैयारी बढ़िया करने के लिए तो करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कुछ भी समझ में ना आए ज्वाइन करने के लिए तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना, ठीक है। एटिट्यूड स्टडी ऐप का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में, खुद से भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप करके हमारे टीम मेंबर से आप मदद भी ले सकते हो।